एवरीवन गाइस, आज हम बनाने लगे हैं मूली की भाजी, जो बहुत ही लेटेस्ट और यूनिक स्टाइल में बनती है, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। नॉर्मल मूली की भाजी तो सभी बनाते हैं, बट ये बहुत ही यूनिक स्टाइल में और बहुत ही यम्मी लगती है। मैंने इसको कटिंग करके अच्छे से वॉश कर लिया, बिल्कुल इसी स्ट्रेनर में इसको वॉश कर लिया। अभी मूली इसको हमने अलग कर लिया था, इसके छोटे छोटे पीसेस करके इसको कटिंग कर लेंगे वॉश करके। इसको हम एक वेसल में ट्रांसफर करके इसको बॉईल करेंगे। इसमें हमने ट्रांसफर कर लिया इसको बड़े वेसल में। अब इसमें हमने सिर्फ हल्दी और नमक डाल दिया है थोड़ा थोड़ा, और इसको थोड़ा सा पानी डाल के 3-4 विस्टर लगा लेंगे। हमने इसमें मूली भी कटिंग करके डाल दी है, अब 2-3 विस्टर लगा देंगे इसमें, इसको बॉईल कर लेंगे। गाइस, मेरी जो पालक है बिल्कुल बॉईल हो चुकी है। मैंने इसका सारा पानी स्ट्रेनर में रख के स्ट्रेन कर दिया है, और हाथों से इसको इस तरीके से दबा दबा के सभी पानी इसमें से निकाल दिया है। ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी है इस तरीके से। अब इसमें हम ये प्याज, सूखी लाल मिर्च और जीरा डालेंगे। इस तरीके से हमने इसके ऊपर डाल दिया है। इसी के ऊपर हम नमक डाल देंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे क्योंकि हमने सूखी मिर्च डाली है, थोड़ी सी लाल डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी। बस इन सभी को हम अपने कुकर में डाल देंगे। ये बहुत ही यूनिक स्टाइल है बनाने का और बहुत अच्छी बनती है। सभी चीज़ें हमने कुकर में डाल दी हैं। इस तरीके से हम अपनी सब्ज़ी को भूनते रहेंगे ऑयल सेपरेट हो जाने तक, तो बहुत मज़े की सब्ज़ी बनती है। गाइस, को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी मेथड से क्या करना है, बस इसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी छिड़क कर, मतलब थोड़ा सा पानी डालकर इसमें 2 विस्टल और लगा देंगे। विस्टल होने के बाद हमने देखिए कितने अच्छे से हो चुका है। इस स्टेज पर आप नमक भी टेस्ट कर सकते हैं, और इसको अच्छे से भूनते रहिए काफ़ी देर तक, जब तक इसका ऑयल बिल्कुल सेपरेट ना होने लगे तब तक इसको भूनते रहिए। बहुत मज़े की सब्ज़ी बनती है। सेपरेट होने तक मैं इसको भूनती रहूँगी, फिर उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊँ। गाइस, ये हमारी मूली भाजी की सब्ज़ी जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखिए कितनी यम लग रही है और बहुत मज़े की बनती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा।